और हवा निकल सेना के पंखे जैसे ही कोई आकर चल रहा है बाकी उनके घर भी एक ये यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एक एक करके उसके सभी असुर हैं रावण की सेना के वो मारे जा रहे हैं यहाँ पर। एक पारंपरिक शैली है अलग पहचान है रेलवाल की जो यहाँ प्रदर्शित की जा रही है मान मर्यादा के साथ में सम्मान के साथ में। जितनी भी माता बह रहे हैं कृपया शांति से हाथ बैठे लेकिन एक अंक आप खड़े नहीं रह सकते हैं आप बैठ कर देखिए बैठने में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए बैठिए आराम से देखिए हम चाहते हैं आप मेला पूरा देखें और शांति से देखें। मंच के कायर और महिला वर्गी की बैठने की व्यवस्था है कुछ पुरुष अभी मुझे नजर आ रहे हैं महिला वर्गी की तरफ कुछ पुरुष महिला वर्ग की तरफ नजर आ रहे हैं तो निवेदन है आपका अपना गाँव है और आपके अपनी माताएं बहने हैं प्लीज आप उधर से निकल कर और जो मंच के पाई और पुरुष वर्ग की दीवा है यहाँ अगर आप यहाँ जाए इधर आपकी काफी जगह पड़ी है बहुत जगह पड़ी है यहाँ पर और अपने बच्चों को सब संभाल के रखे। नजदीक में रेलवे ट्रैक है और उसमें काफी ट्रेन आती रहती है तो अपने छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने बच्चों को संभाल के रखे क्योंकि मेला अभी प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे अपने चरम पर आपके रूपांत में जाएगा भीड़ बढ़ेगी और उसके साथ तो हो सकता है आपका नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा कहीं छूट जाए हमारे कार्यकर्ता हर बस ये कोशिश करते हैं ऐसा ना हो और पूरे हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ फैले हुए लेकिन फिर भी निवेदन है रेलवे ट्रैक पास है बहुत कहीं नहीं पहुंच जाए अपने बच्चों को संभाल के रखें क्योंकि आपकी अगर कुछ बात सुन पा रहे हैं तो महिलाओं की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना है कुछ लोग ब्रेक पार कर रहे हैं उनका ब्रेक पर ट्रक पार करें रेलवे ट्रैक है सावधानी बरतें कृपया गुजर न जाए। पुलिस प्रशासन से मोहन जी भाई साहब आए हुए हैं मोहन जी भाई साहब एक बार मंच की तरफ प्लीज आ जाए बहुत 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 धन्यवाद है आपको आपका बहुत अच्छा सहयोग रहता है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का आपके अथक प्रयासों से ही ये मेला इतना संभव हो पाता है। मेला दशहरा 2019 किशनगढ़ रेनबा देखना न भूले आज इस दशहरा मैदान पे लक्ष्मण शक्ति मेघना वाम रावण चटायु युद्ध और उसी के साथ ये प्राइवेट रावण का जो 50 फुट ऊंचा पुतला है उसका रंगीन आतिशबाजी के साथ दहन देखना न भूलिएगा इस दशहरा मैदान पर ये सब कुछ आपके सामने मंचित होने वाला है। फिर से